ये दोनों नाउन फॉर्म्स हैं इसकी, ये तो हो गया एडजेक्टिव फुल ऑफ वर्ड्स, और ये इनकी नाउन फॉर्म है वोबोस्टी, और इसको पढ़ते हैं हम वोबीएच। लेट्स बिगिन सेशन 26। 24 से और 27 तक सेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पिछले दो सेशंस अगर आपने देखें तब आपको ये अच्छे समझ आएगा इसमें से कुछ वर्ड्स। और जो यहाँ पे मैं बात करूँगा नाउन सफिक्सेस या एडजेक्टिव सफिक्सेस की, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए 25th एटलीस्ट देखना पड़ेगा 26th को समझने के लिए। पहला रूट है लकोनिया या स्पार्टा। अब क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ग्रीस कंट्री है उसका एक मेजर स्टेट था स्पार्टा, और स्पार्टा की कैपिटल थी लकोनिया। तो जो लकोनिया सिटी के लोग थे, स्पार्टन्स जिनको बोलते थे, उनकी एक क्वालिटी थी कि वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते थे, अपनी बात को वो कम शब्दों में प्रस्तुत करने में माहिर थे। यानी कि छोटे छोटे जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट फ्रेजेस हैं, उनको यूज़ करते हुए अपनी बात को रखते थे। यानी कि वो शब्दों में बहुत किफ़ायती थे, बहुत इकोनॉमिकल थे, वो शब्दों को लेके बहुत इकोनॉमिकल थे, बहुत ज़्यादा कम शब्दों में, मतलब बहुत कम शब्दों में अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते थे। उसी से बना हुआ ये लकोनिया। अब आजकल इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कोई आपको बहुत टाइम बाद मिला, वो आपको बता रहा है मैं इतने साल वहाँ था, आई हैव बीन देयर फॉर दीज मेनी ईयर्स एंड आफ्टर दैट आई डिड दैट आई डिड दिस, ऐसा से बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो वो आपको जो है बोल रहा है मिलने के लिए बोल रहे हैं, तो आपने बोला ओके सी यू सून, आपने एक छोटा सा जो है एक सेंटेंस यूज़ किया और आपने बोला ओके सी यू सून। तो यहाँ पर आपने ये जो स्पीच लिखी है, इस स्पीच को हम बोलेंगे लेकोनिक स्पीच। लेकोनिक मतलब शॉर्ट, तो लेकोनिक का मतलब होता है शॉर्ट, संक्षिप्त, मतलब कम शब्दों में जो है। तो इसके जो सिनोनिम्स थे, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, हमने पिछले सेशंस में भी करे थे, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। शॉर्ट हो गया तो टर्स, सक्सिंक्ट, ब्रीफ, कंसाइज, कंपैक्ट, ये तो पिछले सेशंस में हमने करे थे। एक और यहाँ पे हम एक और ऐड कर देते हैं, पिथी, या हम इसको बोल सकते हैं टू द पॉइंट, अगर एक फ्रेज यूज़ करना है टू द पॉइंट, जो बिल्कुल काम की बात है। कम शब्दों में बोलने को, कम शब्दों वाला जो स्पीच होता है उसको हम बोलेंगे लेकोनिक स्पीच। अभी आईसी है तो ये एडजेक्टिव है, तो लेकोनिक होता है शॉर्ट। शॉर्ट क्या, शॉर्ट कुछ भी होता है, जनरली स्पीच के लिए यूज़ करेंगे, शॉर्ट स्पीच, शॉर्ट फ्रेज, ठीक है। इसका नाउन फॉर्म होता है लेकोनिसिटी, लेकोनिसिटी भी है या लेकोनिज्म। अब मैंने आपको बोला था ITY, ISM जो है जनरली एडजेक्टिव पे हम इनको ऐड करते हैं नाउन बनाने के लिए, उस क्वालिटी उस स्टेट को दिखाने के लिए। तो जो लेकोनिसिटी है, या इसके अलावा एक और वर्ड है, इसको बोल सकते हैं लेकोनिसिज्म। यहाँ तक तो पहले से था, ISM यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकोनिसिज्म या लेकोनिकनेस। तो लेकोनिकनेस ये नाउन बन गया, नाउन मतलब एक क्वालिटी होगी किसकी, जो स्पीच है उसके शॉर्ट होने की क्वालिटी को हम बोलते हैं, छोटा होने की जो क्वालिटी है, तो ये हो जाएगा, उसको बोल सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ स्पीच। शॉर्टनेस के लिए एक वर्ड है ब्रेविटी, BREVITI, ब्रेविटी ऑफ स्पीच। तो किसी स्पीच, किसी फ्रेज का छोटा होने की जो क्वालिटी है उसको हम बोलते हैं लेकोनिसिटी, और इसको हम बोल सकते हैं लेकोनिज्म या लेकोनिसिज्म या लेकोनिकनेस, और इसको इसका मतलब हो गया ब्रेविटी ऑफ स्पीच, ठीक। नेक्स्ट रूट था कोगो, मतलब होता है ड्राइव टुगेदर, साथ साथ चलना, को मतलब होता है साथ, एगियर मतलब होता है ड्राइव, साथ साथ ड्राइव करना। देखो इसका मतलब क्या है, आप किसी को अपनी बातों से फोर्स कर रहे हो या मजबूर कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, राधा मैं बोल रहा हूँ कन्विंस कर रहे हो, मना रहे हो उसको कि ये काम करना है, जब मनाते हैं आप उसको, तो कोजेंट जो होता है, कोजेंट ये होता है फोर्स करने वाला, पिछले सेशन में हमने देखा था, जो मजबूर करता हुआ, ENT एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो एक एडजेक्टिव हो गया फोर्स करता हुआ, तो इसको हम बोलेंगे फोर्सफुल बोल सकते हैं, फोर्सफुल। या एडवांस्ड वर्ड देखने हैं तो एक होता है कंपेल, कंपेल मतलब क्या होता है, किसी को मजबूर करना, किसी को मनाना, कंपेलिंग हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, मनाता हुआ। या इसको मैं बोल सकता हूँ परसुएड, मतलब क्या होता है, परसुएड होता है वही, किसी को अपनी तरफ खींचना, अपनी बातों से उकसाना, और परसुएसिव क्या हो जाएगा, वही मनाता हुआ।
या हम बोल सकते हैं कन्विंसिंग, कन्विंस करता हुआ, या इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग या पोटेंट। तो इन सब का मतलब क्या, पोटेंट मतलब क्या होता है पावरफुल, इन सब का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इतना पावरफुल कि आप जो बोल रहे हो सामने वाला उसको मना नहीं कर पाएगा, मना नहीं कर पाएगा सामने वाला, ठीक है। तो जो कोजेंट स्पीकर होगा वो कैसा स्पीकर हो जाएगा, परसुएसिव, मनाता हो, वो उसकी बातों को आप टाल नहीं सकते हो, इतना मतलब कन्विंसिंग पावर ऐसी होती है उनकी उन बातों में कि आप मना नहीं कर पाते। परसुएसिव, कन्विंसिंग, स्ट्रॉन्ग, पोटेंट बोल सकते हैं। और ये ई एन सी क्या हो गया, नाउन फॉर्म में आ जाएगा ये, कोजेंसी क्या हो जाएगा, तो ये नाउन फॉर्म में इसको बोल सकता हूँ मैं फोर्स या परसुएसिवनेस। अब इसको मुझे, ये एडजेक्टिव है, इसको नाउन बनाना है तो इसको लिखूंगा मैं, इसको हम लिखेंगे परसुएसिवनेस। पोटेंट ई एन टी, देखो एडजेक्टिव सफिक्स है, नाउन सफिक्स क्या होता है इसका, पोटेंस बोल सकते हैं इसको, ई पोटेंसी, ई एन सी वाई, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं फिर से। तो पोटेंसी हो जाएगा पावर, ठीक। तो ये इसका जो है नाउन फॉर्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट रूट्स की तरफ। अगला रूट का ग्रुप में सबसे पहला है लोकर, मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक। ग्रैंडिस होता है ग्रांड, शानदार जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैग्निफिसेंट। ई या एक्स होता है आउट, बाहर। गरियो का मतलब होता है टू चैटर, चैटर मतलब मीनिंगलेस बातें करने को बोलते हैं, चैटरिंग का मतलब होता है बात कर रहे हो, बेतुकी बातें कर रहे हो, उसको बोलते हैं गरियो आएगा तो, ठीक है। ओके, तो पहला वर्ड वर्ड है लोक्वेशियस, ओ यू एस होता है एडजेक्टिव सफिक्स, जिसका मतलब है फुल ऑफ, से भरा हुआ, किससे, लोकर, लोकर मतलब स्पीक, बातों से भरा हुआ है, यानी जो लोक्वेशियस होगा वो हो जाएगा टॉकेटिव, ये हो जाएगा बातूनी, वो बहुत बातूनी है, ही इज लोक्वेशियस। लोक्वेशियस होता है जिससे आप किसी भी टॉपिक पे आप इससे घंटों बात करा लो, तो वो हो जाएगा लोक्वेशियस पर्सन। नेक्स्ट टू वर्ड्स एलोक्वेंट एंड एलोक्वेंस। एलोक्वेंट ई एन टी है तो एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ई एन सी है तो ये नाउन फॉर्म होगी। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, एलोक्वेंट क्या होता है, ई हो गया आउट, और लोकल मतलब हो गया टू स्पीक, स्पीक आउट, स्पीक आउट का मतलब होता है अपनी बात को ओपनली पब्लिकली रखना, जो भी आप बोलना चाहते हो उसको ओपनली ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करने को बोलते हैं स्पीक आउट। अब एलोक्वेंट ये एडजेक्टिव है, ये वो क्वालिटी है जो आप अपनी बात को अगर बहुत आर्टिस्टिक तरीके से बोल पा रहे हो, आर्टिस्टिक तरीके से बोलने वाला स्पीकर को हम बोलते हैं एलोक्वेंट स्पीकर, तो ये होता है आर्टिस्टिक। देखो एक वर्ड था कोजेंट, कोच जो ऊपर हमने कहा था, कोजेंट क्या होता था, परसुएसिव होता है, वो उसकी बात को मना नहीं कर सकते आप, कोजेंट स्पीकर जो होगा वो मना लेता है कुछ ना कुछ, मतलब इस तरीके से वो बोलता है कि सामने वाला मना नहीं कर पाता, कोजेंट स्पीकर जो होगा। जो एलोक्वेंट स्पीकर होगा वो होता है आर्टिस्टिक, वो आर्ट्स मतलब वर्ड्स के साथ ऐसा प्ले करता है उसमें, जैसे मैं एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ, देखो एक पूरा पूरा फ्रेज, एक सेंटेंस लिखा, देखो, इट्स अ गिफ्ट, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ द सोल विच मेक्स अस मास्टर्स ऑफ द हार्ट्स ऑफ अदर्स। क्या मतलब है इसका, ये तो सोल आत्मा का ही एक उपहार है जो हमें मास्टर बनाता है, किसका, दूसरों के दिलों का। तो ये बहुत आर्टिस्टिक तरीके से लिखी हुई, लिखा हुआ सेंटेंस है, ठीक है, बहुत आर्टिस्टिक स्पीच होगी ना ये तो आर्टिस्ट, तो इसको हम बोलेंगे एलोक्वेंट फ्रेजियोलॉजी या एलोक्वेंट स्पीच। तो जो कुल मिला के जो एलोक्वेंट स्पीकर होगा वो होता है आर्टिस्टिक, और जो कोजेंट स्पीकर होता है वो होता है पर्सुएसिव, ठीक। और उस क्वालिटी को हम बोलेंगे, नाउन फॉर्म बन जाएगा एलोक्वेंस, एलोक्वेंस हो जाएगा क्वालिटी ऑफ बीइंग एलोक्वेंट, एलोक्वेंस हो जाएगा क्वालिटी ऑफ बीइंग एलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या, ग्रैंड, और इसका मतलब क्या, स्पीक। जब आप बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बताते हो, बड़ा चढ़ा किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलने को हम बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट होता है। ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीकर क्या होगा, जो क्योंकि ई एन टी एडजेक्टिव है तो ऐसे स्पीकर होगा ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीकर, जो अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलता है। देखो आपने कुछ लोगों को जो बोलते हैं ना कि अरे मेरे पास तो ये है ऐसा वैसा, और किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बखान जो करते हैं किसी एक चीज़ के बारे, किसी एक चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो जाएंगे ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीकर। तो इसके सिनोनिम्स बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पे। पहला वर्ड है पॉम्पस, अगर कोई पॉम्पस है
इसका मतलब वो क्या करता है, बड़ा चढ़ा के बोलता है। ठीक, एक और वर्ड इम्पेरियस, इम्पेरियस हो गया, या इसको हम बोल सकते हैं बोम्बास्टिक, या इसको हम बोल सकते हैं हाई फ्लोन, या ऐसा हम बोल सकते हैं जैसे जो दिखावटी होता है ना, जो दिखावटी दिखावटी बनावटी बस बोल रहा है पर ऐसा है नहीं, तो ऐसे इसको हम बोल सकते हैं हाई साउंडिंग विथ लिटिल मीनिंग। साउंड कैसा कर रहा है वो, साउंड का मतलब कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है हाई, हाई साउंडिंग, हाई साउंडिंग विथ लिटिल मीनिंग। मीनिंग तो बहुत कम आ रहा है उसका, सेंस बहुत कम निकल, मतलब मीनिंग और सेंस तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन बोल बहुत ऊँचा ऊँचा रहा है। ठीक है, बखान तो दिखावटी बोल सकते हैं, दिखावटी है जो बस बनावटी है, एक्चुअल है नहीं, तो वो जगह ग्रैंडिलोक्वेंट। इसका एक सिनोनिम होता है मैग्नीलोक्वेंट, 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 क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे मैग्नस मतलब होता है बिग, मैग्नस होता है बिग और बड़ा स्पीकर मतलब बड़ा बोलने वाला, बड़ा बोलने वाला। ठीक है, मैग्नीलोक्वेंट भी ग्रैंडिलोक्वेंट ही है, ये वर्ड आगे आ जाएगा। नेक्स्ट गैरुलस, गैरुलस गैरुलिटी, ये तो नाउन हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, यानी ये क्वालिटी हो जाएगी, किस चीज़ की क्वालिटी, गैरुलस। गैरुलस क्या होता है, गैरियो होता है, अभी ऊपर लिखा था चैटर करना, टू चैटर, चैटर मतलब मीनिंगलेस बातें करना, अब जो मीनिंगलेस बातों से भरा हुआ है तो गैरुलस भी हो जाएगा, बात तो नहीं हो जाएगा। ये भी है टॉकेटिव, लोक्वेशियस भी टॉकेटिव होता है, टॉकेटिव पर वो मीनिंग निकल जाता है उसकी बातों का, ये तो बेतुकी बातें करने वाला हो जाएगा, गैरुलस पर्सन होगा जो वो बेतुकी बातें करने वाला इंसान है। ठीक है, टॉकेटिव ये हो जाएगा मीनिंगलेस, या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो बोल रहा है, जो ट्रिवियल थिंग्स के बारे में बोल रहा है, ट्रिवियल एक वर्ड पढ़ा था हमने पहले, ट्रिवियल, सो मीनिंगलेस बोल सकते हैं, मीनिंगलेस टॉपिक्स। ठीक है, और गैरुलिटी हो जाएगा टॉकेटिवनेस, टॉकेटिव गैरुलस, गैरुलिटी टॉकेटिवनेस, बातूनीपन, और ये हो गया बातूनी। वर्ड रूट्स थी, ये वर्ड आ गया मैग्नस, मैग्नस का मतलब होता है बिग, लार्ज, एनिमस होता है माइंड, एनिमस माइंड, एनिमस माइंड हमने पिछले सेशंस में एक वर्ड देखा था, इक्वानिमस या इक्वानिमिटी, इक्वल माइंड होने की अवस्था को बोलते हैं, यानी कि जो शांत है, शांतपन को बोलते हैं इक्वानिमिटी, तो ये एनिमस माइंड आ गया। अब यहाँ पे एक वर्ड है इससे रिलेटेड, मैग्नानिमस, मैग्ना हो गया बिग, एनिमस हो गया माइंड, और माइंड का मतलब यहाँ पे हार्ट से है। ठीक है, यहाँ पे बड़े दिल वाला, ओ एस हो गया एडजेक्टिव, बड़े मन वाला मतलब बड़े दिल वाला, तो जो बड़े दिल वाला उसका मतलब उदार, तो ये जगह जेनरस, जेनरस होता है उदार है जो, लिबरल बोल सकते हैं, लिबरल, या इसको हम बोल सकते हैं बिग हार्टेड, बड़े दिल वाला। ठीक, अगला ही वर्ड जो हमने अभी ऊपर कहा था मैग्नीलोक्वेंट, वही ये तो बोलने से रिलेटेड है, और मैग्नस हो गया बड़ा, बड़ा बड़ा बोलने वाला, तो बड़ा बड़ा बोलने वाला ये ग्रैंडिलोक्वेंट, वही जो अभी ऊपर सिनोनिम्स देखे थे वो सारे के सारे आ जाएंगे, यानी कि पॉम्पस हो गया, इम्पेरियस बोल सकते हैं, बोम्बास्टिक, हाई फ्लोन, या हाई साउंडिंग विथ लिटिल मीनिंग, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, मैग्नीलोक्वेंट के। और ये तो नाउन फॉर्म में आ गया, क्वालिटी ऑफ बीइंग, ये वो क्वालिटी हो जाएगी बड़ा बड़ा बोलने की क्वालिटी, तो ये वो क्वालिटी हो जाएगी, तो नाउन फॉर्म में आ जाएगा क्वालिटी ऑफ बीइंग। जैसे आपने बोलना है अरे यार वो तो बड़ी बड़ी बातों के लिए जाना जाता है, ही इज़ नोन फॉर, ही इज़ नोन फॉर मैग्नीलोक्वेंस। ठीक है, ऐसे हम इसे बना सकते हैं ग्रैंडिलोक्वेंस, क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉम्पस, पॉम्पस होने की, बड़े बड़े बातें करने की जो क्वालिटी है उसको हम बोलेंगे मैग्नीलोक्वेंस। मैग्निफिसेंट आपने बचपन से सुना हो ये वर्ड, मैग्नस हो गया बिग, FIC मतलब कैरी या बैर ले जाना, आई अपोलोजाइज, फेक मतलब क्या होता है, डू या मेक, बड़ा बड़ा करना, बड़ा बड़ा करना एडजेक्टिव फॉर्म है, तो शान दिखाने वाला, तो ये हो जाता है शानदार जो होता है उसको बोलते हैं ना मैग्निफिसेंट। एक सिनोनिम इसका लिख देते हैं स्प्लेंडिड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैग्नेट नाउन है, मैग्नेट नाउन, इसका मतलब होता है एक मैग्नीफिसेंट, इसका मतलब मैगन मतलब होता है क्या, मैग्नस हो गया बिग, और इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा आदमी, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, इन्फ्लुएंशियल आदमी, प्रभावशाली व्यक्ति को हम बोलते हैं, खासकर कॉमर्स के, कमर्शियल फील्ड में। ठीक है, बिजनेस के क्षेत्र में जिसने अच्छा करा है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम करा है जिसने, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। और इसके लिए एक, इसको मैं बोलूँगा अ वेल्दी, वेल्दी मतलब क्या, रिच, रिच होने के साथ साथ प्रभावशाली है, इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा प्रभावशाली पर्सन को हम बोलेंगे। ठीक है, तो अ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है मैग्नेट। इसके लिए एक वर्ड है आपको न्यूज़पेपर में अक्सर मिल जाएगा, टाइकून, टाइकून, टाइकून का मतलब ही होता है मैग्नेट।
और एक फ्रेज भी यूज़ करते हैं इसके लिए, वो होता है बिग व्हील। बिग व्हील, व्हील मतलब पहिया, और एक बड़ा पहिया। तो इस फ्रेज का मतलब भी है मैग्नेट, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ठीक है, बिग व्हील, व्हील बड़ा व्हील का मतलब क्या है कि बड़ा पहिया है तो वो ज़्यादा चलाएगा इस किसी चीज़ को। तो कोई अगर किसी फील्ड का बिग व्हील है मतलब वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक, जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, रोनाल्डो इज़ अ बिग व्हील इन द फील्ड ऑफ सॉकर या फुटबॉल। फुटबॉल के फील्ड में रोनाल्डो क्या है, एक बिग व्हील है, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। नेक्स्ट, मैग्नम ओपस, मैग्नस वही हो गया बिग, ओपस का मतलब होता है वर्क, ये लिखा है यहाँ पे ना, ओपस हो गया वर्क। और ये कैसा वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है। तो मैग्नम ओपस होता है आर्ट के, आर्ट्स की फील्ड, आर्ट की फील्ड में हो गया, या म्यूजिक के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में जो बड़ा काम होता है उसको हम बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। ठीक, आर्ट के फील्ड में, म्यूजिक लिटरेचर के फील्ड में कुछ अच्छा करने, बहुत बड़ा काम जो होता है उसको हम बोलेंगे। जैसे किसी ने, किसी ऑथर ने मैंने 3 बुक्स निकाल दी हैं, एक सीरीज निकाल दी है बुक्स की, तो वो पूरा का पूरा जो उसका वर्क होगा वो जाएगा मैग्नम ओपस। अच्छा, मैग्निफिसेंट हो गया, मैग्निफाई, FI आता है तो वर्ब बन जाती है, पिछले सेशंस में हमने देखा था। तो मैग्नीफाई हो जाएगा, मैग्नम मतलब होता है बिग, फाई मतलब बड़ा करना, तो बड़ा करना किसी चीज़ को, एनलार्ज करना, टू एनलार्ज, एनलार्ज, टू मेक बिग, एक बहुत प्यारा वर्ड है इसके लिए, एनहेंस। एनहेंस का मतलब हो गया मैग्नीफाई। आपने देखा ना मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है, जो छोटे अक्षरों को बड़ा दिखाता है, जो छोटी चीज़ों को, जो जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, वो जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास। तो एनलार्ज करना, एनहेंस करना, ऑगमेंट करना, AUGMENT, ऑगमेंट, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाई। और अगला है मैग्नीट्यूड। ट्यूड नाउन सफिक्स होता है जनरली स्टेट दिखाने के लिए। क्या स्टेट दिखा रही है, बड़े होने की अवस्था, बड़े होने की अवस्था यानी कि किसी का विस्तार दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ का विस्तार, कितनी फैली हुई है कोई चीज़, उस फैलाव को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड, यानी किसी चीज़ का विस्तार। ग्रेट मतलब महान भी होता है, यहाँ बड़े से होता है बड़ा, तो ग्रेटनेस हो जाएगा, किस ग्रेटनेस है किसी चीज़ की, किसी चीज़ का एक्सटेंट हो गया, इसका मतलब होता है विस्तार, फैलाव हो गया। ठीक है, तो हो गया मैग्नीट्यूड। चलिए, तो आखिरी ग्रुप है वर्ड रूट्स का, इसमें दो रूट्स को हम डिस्कस करेंगे। वोल्वो या वॉलेटस मतलब होता है रोल करना, रोल करना, कोई चीज़ रोल कर रही है, लुढ़क रही है कोई चीज़। और वर्ब हमका मतलब होता है वर्ड। तो पहले वोल्वो से रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। वॉल्यूबल एडजेक्टिव हो गया, जो रोल कर सकता है, रोल कर सकता है यानी कि वो फ्लुएंट है, जो लुढ़क सकता है अपने आप यानी कि वो क्या है, फ्लुएंट है, धारा प्रवाह है वो, तो जो फ्लुएंट होगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूबल। फ्लुएंट हो गया है जो बेअटक, बेअटक जो है उसको बोलेंगे। और वॉल्यूबिलिटी नाउन फॉर्म ये हो जाएगा फ्लुएंसी। तो किसी की फ्लुएंसी है उसको हम बोलेंगे वॉल्यूबिलिटी, फ्लुएंसी। तो वॉल्यूबल स्पीकर होगा फ्लुएंट स्पीकर, जो अपने आप रोल कर सकते हैं, नहीं धारा प्रवाह जो बोल सकते हैं। और वॉल्यूबिलिटी होगी किसी की फ्लुएंसी। नेक्स्ट वर्ड इज रिवॉल्व। रिवॉल्व रोल मतलब हो गया बैक या अगेन, वॉल्व रोल, तो वापस से रोल करना मतलब किसी चीज के चारों तरफ घूमने को बोलते हैं ना, टू गो अराउंड समथिंग, मूव अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ चलते। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके दो मतलब हो जाएंगे। रेवोल्यूशन एक तो होता है चक्कर जो लगाया, एक चक्कर जो हो गया, यानी कि मूवमेंट अराउंड समथिंग, मूवमेंट अराउंड समथिंग। या फिर इसका एक मतलब होता है क्रांति, बोलते हैं ना क्रांति। अब जब आप क्रांति ला रहे हो, क्या आप चेंजेस ला रहे हो, यानी आपने एक पूरा व्हील घुमा दिया है पूरा का पूरा जो, तो ये इसको हम पूरा का पूरा, आपने व्हील को पूरा का पूरा घुमा दिया, सिचुएशन को आपने बिल्कुल ही जो है चेंज कर दिया। और खासकर ये होता है, इसको हम बोलते हैं एक पॉलिटिकल, जो राजनीतिक जो डिसरप्शन होती है, पॉलिटिकल अपहीवल जो होता है, अपहीवल का मतलब होता है, अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल को बोलते हैं, डिस्टर्बेंस को बोलते हैं, डिसरप्शन को बोलते हैं। तो एक पॉलिटिकल अपहीवल हो गया या पॉलिटिकल मूवमेंट जो हो गया उसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। ठीक है, क्रांति जिसको बोलेंगे, तो पॉलिटिकल अपहीवल हो गया या डिसरप्शन। नेक्स्ट वर्ड इज इन्वॉल्व। इन का मतलब हो गया इनसाइड, वॉल्व मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर रोल करना, यानी जब आप इन्वॉल्व होते हो तो आप शामिल होते हो किसी चीज़ में,
इन्वॉल्व होना, शामिल होना किसी चीज़ में, यानी इसको हम बोलेंगे टू बी ऑक्यूपाइड इन एन एक्टिविटी और सिचुएशन। ऑक्यूपाइड मतलब व्यस्त, किसी एक्टिविटी में आप जब किसी सिचुएशन में आप ऑक्यूपाइड हो मतलब इसका मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हो, आप उसमें शामिल हो, अपने आप को बिजी रखा हुआ है आपने उसमें, इन्वॉल्व। और एक इन्वॉल्व का मतलब होता है टू इंक्लूड एज एन इसेंशियल पार्ट, इसेंशियल मतलब बेहद ज़रूरी पार्ट, एक अहम हिस्सा होता है जो किसी चीज़ का, अहम हिस्सा बना लेना किसी को किसी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं इन्वॉल्व। जैसे इसके एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा, दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला, ही कुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन स्टडीज, स्टडीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाया, मतलब ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, अपने आप को बिजी नहीं रख पाया, यानी कि लीन नहीं हो पाया स्टडीज़ में। और यहाँ पे दिस जॉब इन्वॉल्व्स, ये जॉब इन्वॉल्व्स मतलब देखो इसेंशियल पार्ट है, क्या है इस जॉब का इसेंशियल पार्ट, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी ये जॉब की रिक्वायरमेंट है कि हार्ड वर्क करना है। सो दिस जॉब इन्वॉल्व्स का मतलब हो सकता है टू रिक्वायर बोल सकते हैं इसको, इस जॉब की में क्या रिक्वायरमेंट है, हार्ड वर्क की, ठीक है। तो इन्वॉल्व का एक मतलब हो गया शामिल होना, या एक हो गया शामिल होना, लीन होना, या दूसरा मतलब हो गया अहम हिस्सा बना लेना किसी चीज़ का, उसको इन्वॉल्व बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव इन्वॉल्वमेंट, और ये नाउन फॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब सम्मिलन हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट का मतलब बिजी रखने का जो प्रोसेस है, यानी कि इसको हम बोलेंगे प्रतिभाग करने को बोलेंगे। तो इन्वॉल्व सॉरी जो प्रतिभाग होता है किसी चीज़ में, आप किसी चीज़ का हिस्सा बन रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पार्टिसिपेशन होता है। मुझे तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए इस काम में, आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट, या आई नीड योर पार्टिसिपेशन इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में मुझे तुम्हारी पार्टिसिपेशन चाहिए, यानी तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक। आप बोलोगे कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उस फाइट में, आई हैड नो इन्वॉल्वमेंट इन दैट आर्ग्यूमेंट। इवॉल्व में ई हो गया आउट, और वॉल्व मतलब रोल आउट, बाहर की तरफ रोल करना, मतलब डिवेलप, विकास, कोई चीज़ किसी चीज़ का विकास होने को बोलते हैं, टू डिवेलप या टू प्रोग्रेस एज ए वर्ब, इसको हम पढ़ते हैं प्रोग्रेस, कोई चीज़ आगे बढ़ती है, उन्नति पे जब होती है उसको बोलते हैं हम डिवेलप या प्रोग्रेस। और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ये हो गया नाउन, यानी कि ये हो जाएगा डेवलपमेंट नहीं, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, डिवेलपमेंट या प्रोग्रेस। एज अ वर्ब इसको पढ़ेंगे प्रोग्रेस, और एज अ नाउन ये हो जाएगा प्रोग्रेस। चलो अब आखिरी रूट से रिलेटेड वर्ड्स होंगे, वर्बम का मतलब होता है वर्ड, तो इसमें सारे के सारे इन सब का मतलब वर्ड से रिलेटेड है। पहला है वर्बेटिम, वर्बेटिम होता है, इट्स एन एडवर्ब की तरह जनरली इसको यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, एक एक शब्द के लिए एक एक शब्द जब आप यूज़ करते हो उसको हम बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड। जैसे माना आपने बोलना है कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो वर्ड फॉर वर्ड, हमें एक वर्ड के लिए दूसरा वर्ड चाहिए वर्ड फॉर वर्ड, तो बोलेंगे ट्रांसलेट द सेंटेंस वर्बेटिम। और वर्बल क्या हो गया, शाब्दिक, यानी कि एडजेक्टिव है, और इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, शब्दों के फॉर्म में जो है उसको हम बोलेंगे वर्बल, तो वर्बल हो गया शाब्दिक, ठीक है। अगला है, पिछले सेशन में वर्ड पढ़ा था वर्बोज, वर्बोज क्या होता है, फुल ऑफ वर्ड्स, शब्दों से भरा हुआ, यानी वर्डी, और पिछले सेशन में हम इसको कवर कर चुके हैं। ये दोनों नाउन फॉर्म्स हैं इसकी, ये तो हो गया एडजेक्टिव फुल ऑफ वर्ड्स, और ये इनकी नाउन फॉर्म है वर्बोस्टी, और इसको पढ़ते हैं हम वर्बियज, 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 वर्बोस्टी, दोनों का मतलब होता है वर्डीनेस, यानी कि जब आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो उस स्टेट को हम बोलते हैं, उस एक्शन को हम बोलते हैं वर्बोस्टी या वर्बियज। ऐसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, कभी कभी क्या होता है जैसे आपने कुछ एक्सप्लेन करना है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आपने बहुत सारे वर्ड्स तो बोल दिए, बहुत सारे सेंटेंसेस बोल दिए, पर तब भी सेंस नहीं निकल के आ रहा है उसका, तो आप उस टाइम पर लॉस्ट हो गए, स्टक हो गए वर्बोस्टी के अंदर या वर्बियज के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक सेंटेंस देखूँ यहाँ पे, ही लॉस्ट हिमसेल्फ इन वर्बोस्टी और वर्बियज, वो उसने जो अपने आप को खो दिया किसमें, वर्डिनेस में, मतलब शब्दों की बहुलता में उसने अपने आप को खो दिया, इतने सारे वर्ड्स बोल दिए पर उसको समझ नहीं आया बोलना क्या है, एक्सप्लेन कैसे करना है अच्छे से।
तो वो हो जाएगा वो बॉस्टिया वर्बियज। चलिए तो पहली एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग, इसको मैं कर लेता हूँ पहली और दूसरी, और आप जो है उसके बाद कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, ये एक्सरसाइज आप खुद से कर लेना। और एक बार फिर से बोल दूँ, अगर इन वर्ड्स को अच्छे से सीखना है तो ये एक्सरसाइज आपको करनी ही हैं। तो पहला है पॉम्पसनेस या फ्लावरीनेस और एलिगेंस इन स्पीच। एलिगेंस होता है ब्यूटी, ग्रेस, रमणीकता। पॉम्पसनेस हो गया तड़क भड़क है, मतलब दिखावटी बने। और फ्लावरीनेस क्या हो गया, फूलों ने सजा दिया है, तो ये फिगरेटिवली यूज़ हुआ है। आपने स्पीच को क्या कर दिया है, दिखावटी बना दिया है, ब्यूटी से सजा दिया है, बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निलोक्वेंस। उसके बाद इंसेसेंट, इंसेसेंट होता है कंटिन्यूअस, अनवरत, जो रुका हुआ नहीं है, चलता हुआ। चैटर, बिना रुके चैटर मतलब बड़बड़ाना, बेतुकी बातें करना विथ लिटिल मीनिंग, और कम उसका मीनिंग निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैटर को बोलते हैं हम गरियो, तो ये हो जाएगा कैरोलिटी। बिग व्हील, एक बड़ा पहिया। इन्फ्लुएंशियल पर्सन, प्रभावशाली व्यक्ति, होता है मैग्नेट। ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क, ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क, मैग्नम ओपस। अ रोलिंग राउंड, पॉलिटिकल अपहीवल, जो राजनीतिक डिस्ट्रप्शन है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्रांति की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा रेवोल्यूशन। ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच, इकोनॉमी मतलब होता है किफ़ायतीपन, मतलब जो कम खर्च कर रहे हो, कम खर्च कर रहे हो, स्पीच को आप कम बोल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं। और ये हमारा हो जाएगा नाउन, तो ये है लकोनिसिटी, लकोनिसिटी। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फ्लुएंसी है यानी अपने आप जो रोल कर रहे हैं, हो जाएगा पोलिबिलिटी। अ ग्रेजुअल मतलब होता है स्लो, धीरे धीरे, ग्रेजुअल अनफोल्डिंग, धीरे धीरे कोई चीज़ फोल्ड, मतलब फोल्ड का मतलब होता है बंद हो रही है, अनफोल्ड मतलब खुल रही है, धीरे धीरे अनफोल्डिंग हो रही है। और डिवेलपमेंट, डिवेलपमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ग्रेट और आर्टिस्टिक एक्सप्रेसिवनेस, अब जो एक्सप्रेसिवनेस है वो आर्टिस्टिक है, जो आप बोलना चाह रहे हो, जो व्यक्त करो आर्टिस्टिक तरीके से उसको बोल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोक्वेंस। पर्सुएसिवनेस थ्रू लॉजिक, अब लॉजिक के साथ अगर आप किसी को कंपेल कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, तो वो हो जाता है कोजेंट, और उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा कोजेंसी। और वर्डिनेस, ये जगह वर्बोस्टी या वर्बियज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्ड फॉर वर्ड को हम बोलेंगे वर्बेटिम। टू पुट इनटू वर्ड्स, शब्दों में बयान करने को क्या बोलेंगे, वर्ब बन जाएगी वर्बलाइज। न्यू एंड टोटली डिफरेंट, जो नया है और बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसको हम बोलते हैं ये क्रांतिकारी हो जाता है एक तरह से। आप बिल्कुल नया, मतलब आपने क्या करा है, आपने रेवोल्यूशन कर दिया, क्रांति कर दी है, तो उससे रिलेटेड जो एडजेक्टिव है वो जाएगा रेवोल्यूशनरी। अगला है एक्सप्रेसिव इमोशनली मूविंग, एक्सप्रेसिव है इमोशनली मूविंग, मतलब जो आपको भाव, जो आपको भावनात्मक तरीके से मूव कर रहा है, झकझोर दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आर्ट है, आप उसमें जो है अपने इमोशंस कनेक्ट कर पा रहे हो उससे, तो वो हो जाता है एलोक्वेंट। अगर कोई एलोक्वेंट स्पीकर है तो वो क्या है, एक्सप्रेसिव है, कैसा, आर्टिस्टिकली एक्सप्रेसिव है वो, या इमोशनली मूव कर देता है वो आपको। फिर है वर्ड और फ्रेज पैक्ड विद मीनिंग, वर्ड और फ्रेज, शॉर्ट वर्ड होता है इसमें, शॉर्ट वर्ड और फ्रेज पैक्ड विद मीनिंग, उसको हम बोलेंगे लेकोनिज्म। बिग हार्टेड जेनरस, बड़ा बड़े दिल वाला, तो बड़ा होता है मैग्ना, एनिमस माइंड होता है मैग्नानिमस, मैग्नानिमस हो जाएगा उदार जो है। इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की फॉर्म में जो है वो जाएगा वर्बल। यूजिंग फ्लावरी और एलिगेंट वर्डिंग, फ्लावरी और बड़ा चढ़ा के दिखाना, सजाना स्पीच को सजाना, तो वो जाता है ग्रैंडिलोक्वेंट एडजेक्टिव फॉर्म में। वर्डिनेस, यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन नीडेड, जितने वर्ड्स चाहिए उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्बियज या वर्बोस्टी। अब आखिरी एक्सरसाइज है इसकी, एक्सरसाइज नंबर 3, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, तो इस एक्सरसाइज को आपने खुद से करना है। इसमें पहला वाला मैं कर देता हूँ, ब्रेविटी और इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की संक्षिप्तता या इकोनॉमी मतलब किफ़ायतीपन, शब्दों का किफ़ायतीपन है, संक्षिप्तता है, कम शब्द यूज़ करने को क्या बोलते हैं। चार वर्ड्स हैं यहाँ पे एल से आने वाले, लेकोनिज्म, लेकोनिसिज्म, लेकोनिसिटी या लेकोनिकनेस, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं।
और उसके बाद अब आपने बाकी जो ये रह गए हैं खुद से करने हैं। तो आपको पिछले सेशंस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।